all the people who are saying that XYZ building is a residential building और वो residential building में iCloud kitchen नहीं चल सकता, तो उन सबको बोलना पड़ेगा मुझे कि कोविड के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई है, बहुत सारे कानून बदल चुके हैं, तो iCloud kitchen चलेगा residential buildings से, चाहे आपको एक्सेप्ट है या नहीं, बिकॉज सर्टन थिंग्स हैव चेंज्ड, पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम एंड कमर्शियल बिल्डिंग और रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ज्यादा फर्क नहीं है. सो जो लोग वेले हैं, जॉबलेस हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो लोग मेरे क्लाउड किचन को टारगेट कर रहे हैं. बाकी जो लोग बिजी हैं वो अपनी प्रगति पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. जो लोग सच में दूसरों के काम में अपना नाक घुसाते हैं वो लोग मेरे क्लाउड किचन को टारगेट कर रहे हैं. दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से, बिकॉज देर इज नो लाइन नाउ बिटवीन कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग आफ्टर कोविड. सो पीपल काइंडली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ग्रोथ रादर देन टारगेटिंग मी. ये बिल्डिंग का जो भी टूटा फूटा है रिपेयर, उसको मेंटेनेंस के पैसे से करवाओ, बिकॉज बहुत सालों से आपने पैसा लिया है इतने सारे फ्लैट से. सो काइंडली यूज योर फंड्स, शो योर फंड्स टू द पीपल हु काइंड ऑफ अटेंड योर मीटिंग्स, एंड मेक श्योर यू डू गुड फॉर द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स रादर देन टारगेटिंग पायल रोहतगी. बिकॉज रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑल दिस इज inconsequential after COVID. Yeah. What's on my plate today? Let's do this. It is makkai ki roti, anda curry and bengan aloo. Yeah, that's on my plate today and I'm going to be eating that. Tiffin mein main anda curry de sakti hu, makkai ki roti bhi de sakti hu. But let me get more organized kyunki makkai ki roti thodi der ke baad kadak ho jayegi. And abhi tak hum gehun ki roti de rahe hain. मल्टीग्रेन की रोटियां मैं चालू कर दूंगी, बिकॉज आई थिंक गेहूं की रोटी थोड़ी कड़क हो जाती है. सोच रही हूँ कि मल्टीग्रेन रोटियां चालू कर दूं, बिकॉज गेहूं की रोटी थोड़ी देर के बाद घर का टिफिन में कड़क हो जाती है. एंड आई डोंट वांट टू डू दैट, बिकॉज राइडर्स कभी टाइम पे आते हैं, कभी नहीं आते, लोकेशन कभी कस्टमर की नज़दीक होती है, कभी दूर होती है. एंड गेहूं की रोटी चाहे आप कितनी भी फ्रेश क्यों ना बनाओ, आफ्टर अ पॉइंट इट गेट्स कड़क. सो या इन 15-20 मिनट्स द गेहूं की रोटी गेट्स कड़क. मैंने इस टाइम पता नया आटा ट्राई किया है. आल्सो द आटा इज नेचर फ्रेश बट इट्स होल्ड वीट आटा. मैं मल्टीग्रेन आटे पे आ जाऊंगी, बिकॉज ये वाला आटा रोटी थोड़ी देर के बाद यू नो ट्रैवल में कड़क हो जाती है. ये एक शॉप है, हाँ ये देखो, ये एक शॉप है डी मार्ट पे. अब ये शॉप में इतना एरिया है और यहाँ पे ऐसा बंद है, ठीक है, बट यहाँ पर कोई फायर एग्जिट है नहीं. तो ये लेना मतलब इसमें कोई सामान, तुम खाली आलू प्याज रख सकते हो मगर तुम बैठ के यहाँ पे कुकिंग नहीं कर सकते क्योंकि फायर एग्जिट है नहीं. सो दिस इज द शॉप. खराब नहीं है. And this is the पीछे की बिल्डिंग. लो आगे से, this is the shop like this way. आगे ले दो. So जगह तो ठीक है मगर वही है कि यहाँ पर फायर लाइसेंस नहीं मिल सकता, तो यहाँ पर माइक्रोवेव में रख के गर्म हो सकता है सब कुछ मगर गैस नहीं लग सकती. और पीछे की दिखा रहे हैं इंटरप्राइज, ये उतरो मैं. हाँ बिल्कुल उतरो. चश्मा पहन लो, सेलिब्रिटी और सेलिब्रिटी. ये तो देख जाएंगे कि नहीं जाएंगे. ये एक दूसरी शॉप है. This is a shop that I am checking, जहाँ पे खाना बनता है. ऐसी जगह उसे खाना बन के आता है. शॉप देख रही हूँ संग्राम के साथ, बिकॉज स्टॉल के ऊपर इतना कुछ हुआ. तो यहाँ पे ये सब दुकानें हैं.
सो ऐसी दुकान लेने से बेटर है मैं अब स्टॉल पे अपना बिजनेस करूँ. इतना अनहाइजीनिक सेटअप, ओ माय गॉड, लोग ऐसी जगह से ऑर्डर करके खाते हैं, मुझे तो उल्टी आ जाए. इतना अनहाइजीनिक कि इट्स शॉकिंग. ओ गॉड, आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग बिकॉज इफ आई हैव टू इन्वेस्ट मनी आई हैव टू अंडरस्टैंड वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ मच टू इन्वेस्ट. और ऐसी जगहें लेने से बेटर है स्टॉल पे ही बिजनेस करो, घर में ही किचन रखो पर्ल हाइट्स का, बिकॉज ऑल दिस इज टू अनहाइजीनिक. इट्स रियली अनहाइजीनिक. मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग्स हैं ये कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग्स के नीचे शॉप्स हैं, समझ रहे हैं आप. एक ये शॉप भी थी, बट ये बिल्डिंग्स के अंदर जितनी भी दुकानें हैं वो कमर्शियल शॉप्स हैं और ये बिल्डिंग कमर्शियल बिल्डिंग है. तो अभी यहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं यहाँ पे पीछे कोई एग्जिट नहीं है, सो फायर एग्जिट है नहीं यहाँ पर पीछे किसी भी शॉप्स में. मगर बिल्डिंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं करता तो चल रहा है. मगर पायल के स्टॉल को अटैक करने के लिए इतने सारे लोग आ गए थे. अब यहाँ पे जब फायर एग्जिट नहीं है तो इतने सारे केटरर्स कैसे हैं भैया इस लाइन में. वाओ, ऑसम, लवली. क्योंकि नहीं है ना ये, इसलिए है सारे यहाँ पे. अच्छा, क्योंकि वो चुपचाप शांति से अपना काम करते हैं ना. अच्छा, तो फायर एग्जिट है ही नहीं तो बीएमसी को पता नहीं है. अरे चुपचाप आप शांति से कुछ भी कर लो इंडिया में. संग्राम जी, आप मुझे शॉप लेके दे रहे हो मगर मुझे देखना पड़ेगा ना उस शॉप में फायर एग्जिट है कि नहीं, बिकॉज पायल जी को परेशान करने तो कितने लोग आ जाते हैं, है ना. पैसे पायल और पैसे परेशान. देखो क्या है कि इस भारत जैसे देश में चुपचाप ना कोई भी काम करता रहे, किसी कोई परेशान नहीं करे. ये फायर एग्जिट की जरूरत वहां होती है जहाँ पे सोसाइटी ऑब्जेक्शन करे. नहीं, बट वो बीएमसी की रिक्वायरमेंट है कुकिंग के लिए, बट ठीक है. व्हाई शुड आई बिकम द टीचर हियर, है ना. और दिखाता हूँ वो कॉफी डे वाला के पास में. देखो अभी मैं दिखाता हूँ, अब चलना अभी आप. क्योंकि मैं ना ऐसे ही ना आपके मेरे दोनों के पैसे पैसे तो पैसे है ना, ऐसे ब्लॉक नहीं करना चाहती हूँ जहाँ तब तक मुझे पता नहीं है कि पिज्जा 28 में. देखो सारा पिज्जा बंद है, इसमें कहाँ से फायर एग्जिट है. होगा फायर एग्जिट कहाँ से, क्योंकि रेंट पे जगह लेनी बेवकूफी है. देखो इडली गुरु अब यहाँ पे चालू हुआ है. पीछे तो बंद है सब कुछ इडली गुरु का. हाँ, पीछे बंद है. हाँ, क्या फायर एग्जिट नहीं है. नहीं, अगर इडली गुरु वीडियो बना के आ रहा हो तो फिर इडली गुरु फायर एग्जिट जरूर मांगेंगे. एक मिनट, हाँ, आई जस्ट सी बिकॉज आई हैव टू सेंड द वीडियो टू माय मदर. तो ये एक दूसरा शॉप है, देयर इज जस्ट बाथरूम, इट्स क्लोज्ड, दैट्स इट. लाइट जला दी. हाँ, सो बस सिंपल बाथरूम ही है ना, देयर इज नो ओपनिंग, दैट्स योर किचन. कैन आई जस्ट, हाँ, आई जस्ट टेक द किचन. That's the outside area. He made this. Achha, that's the shop. Okay. Yes. Officially काम करने आता है क्या? Yes, I can. That's the outside area. Wow. This is on the main road, the shop. And that's the shop. None of the shops have fire exit. Simple as that. And that is how they are working. But yes, पायल के ठेलों से सबको problem है. पायल के ठेले से. I'm saying all this because मुझे पता है कि मैं ऐसे चुपचाप शॉप लूंगी तो प्रॉब्लम्स तो होंगे, है ना.
इससे पहले से ही बता रही हूँ कि यारी रोड पे कमर्शियल बिल्डिंग्स में जितने भी शॉप्स हैं उनके फायर एग्जिट है नहीं. तो बीएमसी, हाउ आर यू डूइंग? आर यू गुड? हाँ, मेरा स्टॉल हटा दिया. Now I am in Coffee De Bell. I think that's the name of the place in Warsaw. इतना बड़ा कॉफी शॉप है और यहाँ पर भी फायर एग्जिट नहीं है. वाओ. बीएमसी, हाउ आर यू? गुड इवनिंग. इतनी बड़ी शॉप है कॉफ़ी डे बेल. किसकी है पता नहीं. कॉफ़ी एक्सपीरियंस वर्सोवा वहाँ पे, और ये शॉप में भी फायर एग्जिट नहीं है. वेलकम टू भारत. उधर पायल के छोटे मोटे स्टॉल को इतना बुली किया. क्यों किया? दिखाऊं ये दुकान की चीज़ है. कॉफ़ी. हाँ, कहते हैं यहाँ पे फायर एग्जिट नहीं है, तो फायर एग्जिट के बिना रेस्टोरेंट कैसे चल रहा है? फायर एग्जिट नहीं चाहिए लाइसेंस के लिए. यहाँ पे किसी के पास फायर एग्जिट है ही नहीं, फायर लाइसेंस ही नहीं है. सारे रेस्टोरेंट्स यारी रोड पे विदाउट फायर लाइसेंस चल रहे हैं और पायल के स्टॉल को ये लोग टारगेट कर रहे हैं. देखो क्या बात है, कोई टारगेट नहीं कर रहा. हाँ, तो फिर क्यों आए? देखो अभी यही डीमार्ट के चौक के ऊपर ये सब खड़े हैं लोग, जहाँ पे वो राकेश को वो सब ड्रामा किया था. तो बस पायल को बुला के ड्रामा करना है, वही वहाँ पे वो होगा गराज वाला. पायल खुद लगता है कि भैया जो आपके लड़के हैं वो सही नहीं थे, अगर सही होते तो सिचुएशन को मैनेज कर लेते. हाँ, वीडियो बनाते क्यों? वीडियो बनाते अगर लड़का बार बार मुझे फोन करके बोल रहा है कि मुझे कोई धमकी दे रहा है जान से मारने की, तो एज अ एम्प्लॉयर मैं वहां पे जाके देखूंगी ना क्या हुआ. इट इज आउट ऑफ इंसानियत. जबकि सारे लोग यहाँ पे स्टॉल लगा के खड़े हैं, मेरे स्टॉल के पीछे क्यों पड़े हुए थे ये लोग? कोई नहीं पड़ा आपके स्टॉल के पीछे. तो फिर वो ड्रामा क्या था? वो ऐसे वो डीमार्ट वाले यहाँ पे ड्रामा क्या कर रहे थे? कोई ड्रामा नहीं कर रहा था. तो क्या कर रहे थे आपको लग रहा है? तो फिर क्यों वो बैठ के वो लड़के को बुला रहे, वो औरत वो और हस्बैंड वाइफ, वो हस्बैंड वाइफ थे कि बाप बेटी थे, चिल्ला क्यों रहे थे, ड्रामा क्यों कर रहे थे? क्या बताऊं, नहीं खुद की स्टॉल हो वहाँ पे, सोचा हो कि भैया ये स्टॉल आया तो हमें नुकसान हो जाएगा. सब गुंडागर्दी है यहाँ पे. तो संग्राम मुझे बताओ कि मेरे को तुम रेस्टोरेंट उस ब्रोकर से दिखाओ, शॉप एरिया रेस्टोरेंट एरिया जहाँ पर फायर लाइसेंस मिल सके, एंट्री एग्जिट हो. ठीक है, यारी रोड में जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स है उनमें किधर भी फायर एग्जिट नहीं है. सुनो हाँ. आज मैंने आपको 60 लाख रुपए से लेके 3 करोड़ तक के मैंने रेस्टोरेंट दिखाए, अगर आपको कोई पसंद नहीं आया. कोई पसंद नहीं आया मतलब इलीगल यार, वहाँ पे मैं फायर लाइसेंस नहीं ले सकती हूँ, तो मैं बैठ के बीएमसी को पैसे क्यों खिलाऊं? कोई बात नहीं यहाँ बात सही है. देखो मैं क्यों गैर कानूनी काम करूं जब मैं कितना कानून बोलती हूँ. हमारा भारत देश तब आगे बढ़ेगा जब आप जैसे पढ़े लिखे इंसान और आगे आ जाएंगे. हाँ, तो फिर मेरे मुझ जैसा पढ़े लिखा इंसान जब स्टॉल का बिजनेस कर सकता है, वहाँ पर लोग ये सब करते हैं. अब देखो शॉप बोलते हैं, शॉप में पूरा इलीगल सेटअप है, यहाँ पे कोई फायर लाइसेंस ही नहीं है, और कितने रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं. देखो सब खोलते हैं सबका चला, मगर आप समझदार हो तो आप अपना लाइसेंस लो, जगह वैसी देखो. तो जगह आप मुझे वैसी दिखाओ, ब्रोकर को बोलो कि फायर लाइसेंस मिलना चाहिए, फायर एग्जिट एंट्री एग्जिट होना चाहिए. कल मैं इसको मलिक भाई को बोलता हूँ. हाँ, जिसको भी बोलना आपको बोलो. वो ही इज अ वेरी गुड ब्रोकर, वो दिखाएगा. मेरा भी यही मानना रहता है कि अच्छा फायर लाइसेंस सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए चाहिए, बाकी कोई जरूरत नहीं ना. हाँ, जहाँ पे भी गैस हो रहा है ना संग्राम, जैसे गैस यू नीड अ फायर लाइसेंस, एंट्री एग्जिट होनी चाहिए. तो अच्छी बात है, चलो मैं उसे बात करता हूँ आज. आपकी जो रिक्वायरमेंट थी. मैं क्यों इलीगल जगह लूँ बाबा? ले. देखो ये छोटे बच्चे बता मुझे क्यों आते लाते हैं. हाँ. इनको गाड़ी अच्छी लगती है. अले, अले, अले. मुझे स्कूल्स में भी जाना है संग्राम जी, फॉर बल्क ऑर्डर्स. स्कूल वालों से ही बात कर देंगे. फॉर बल्क ऑर्डर्स आई नीड टू गो टू स्कूल. ये देखो मेरी जगह खाली हो गई. हा, ये मेरी जगह खाली हो गई, यहाँ पर कोई है नहीं, और जिसने मुझे थप्पड़ मारा वो भी बैठी हुई है. किसने मारा तुम्हें? किसने, सबको पता है किसने मारा. आई एम बैक इन माय हाउस, एंड जो लोग बहुत बोलते हैं ना लीगल इलीगल, उन लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ, कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर आप लोग शॉप्स को रेस्टोरेंट्स बनाते हैं, वो शॉप्स के अंदर फायर एग्जिट नहीं है. फायर लाइसेंस के बिना आप लोगों ने वो रेस्टोरेंट्स को फंक्शन करने दिया है कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर. कल को आग वाग लग गई ना तो रोना नहीं,
इट इज ऑल योर डूइंग. एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जहां पर ऑब्वियसली हम आई क्लाउड से किचन चलाना चाहते हैं तो वहां पर लोगों को दिक्कत है, और यहां पर कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर फायर लाइसेंस के बिना लोग शॉप्स के अंदर रेस्टोरेंट्स और केटरर्स को रखते हैं. शॉकिंग. एंड ऑब्वियसली पायल को टारगेट करना है. अरे शांति से इतने सारे स्टॉल्स लगे हुए थे यारी रोड पे, किसी को किसी की नहीं पड़ी, मगर पायल के लड़के को हर कोई आके धमकी देता था, या वो लड़के की इमेजिनेशन होती थी कि कोई भी आके उसको कुछ भी बोलता था वो पोपट की तरह मुझे बोलता था, या ऑब्वियसली वो भी इस षड्यंत्र का हिस्सा था क्योंकि वो इतना तो बेवकूफ था नहीं ना, गांव से आया था पैसा कमाने, उसको भी पता है कौन धमकी दे रहा है और कौन धमकी देने का नाटक कर रहा है. मगर हाँ, उसने मुझे हाइपर किया, मुझे जानबूझ के स्ट्रेस दिया, तो इट्स बेटर टू एंड सच पीपल्स एसोसिएशन विद अस. अब देखते हैं आगे कहाँ कब कोई लड़का मिलता है, बिकॉज सर्टन थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड्स. एंड शॉप तो मैं तब लूंगी जब मुझे कोई फायर एग्जिट वाला सेटअप मिलेगा. मैं फायर लाइसेंस के बिना शॉप नहीं लेने वाली. आई एम नॉट गोइंग टू ब्लॉक माई मनी. आई एम पायल रोहतगी.